सर मैं हरदम कोशिश करता हूँ कि गाने का सहारा लेकर मैं आंसर दे सकूँ। जी जी जी, मैं पढ़ाता भी कुछ ऐसे हूँ जिससे क्या तो आप शिक्षक हैं? यस सर, मैं प्रोफेशन। किस तरह की शिक्षा देते हैं आप? सर मैं गुजरात सरकार के जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है जी, तो वहाँ पर मैं एज ए व्याख्याता मैं जॉब कर रहा हूँ। ओके। तो इंजीनियरिंग के साथ साथ क्या होता है सर कि हमारे जो छात्र होते हैं तो उनको हमें जो ऑफ द सिलेबस जो बातें हैं जो सिलेबस में इंक्लूड नहीं होती है तो वो भी हमें सिखानी पड़ती है। मगर अब जो जनरेशन आ रही है तो उसको लेक्चर्स पसंद नहीं है, अभी वो शॉर्ट्स का रील्स का जमाना है। जी जी जी। तो मैं क्या करता हूँ सर कि हर जो सबक है जो मुझे उनको सिखाना होता है तो मैं उसे गाने में परोस देता हूँ या फिर गाने की जो लाइन्स होती है उस ढाल में मैं उसको ढाल देता हूँ और फिर मैं उसको बताता हूँ कि भाई देखो बेटा ऐसा है। ओके ओके, ऑलराइट। तो हार्दिक जी अब आप स्पॉटलाइट में हैं, इनको हम खेल के कुछ नियम बताना चाह रहे हैं। मान्यवर आपके सामने देखिए 16 प्रश्न आते जाएंगे, एक एक करके उसका उत्तर देते जाइए और धनराशि उसके सामने जो लिखी हुई है आपको मिलती चली जाएगी। खेल में दो पड़ाव आते हैं, पांचवें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 16वें प्रश्न के बाद एक हमारा 17वां प्रश्न है जिसका शीर्षक हमने दिया है तिलस्मित तिजोरी। ये है 17वां प्रश्न और ये है 7.5 करोड़ रुपए का। पहले 7 करोड़ रुपए का होता था, अब 7.5 कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये 75 वर्ष जो हम मना रहे हैं भारत में वो हमारे भी इस अमृत महोत्सव, हाँ, इसमें कहीं दिखना चाहिए 75.5। एक यहाँ डीजे बाबू हैं जो कि दुगदुगी जी थी ना पहले, उनके पति देव हैं, ये आपको समय निर्धारित करते रहेंगे। 5 प्रश्नों तक 45 सेकंड, 5 से 10 तक आपको 60 सेकंड और 10 के बाद ये शांत हो जाएंगे। यदि आपको संकट हो, दुख हो, कष्ट हो, लाइफलाइन का इस्तेमाल कीजिए। तीनों लाइफलाइन आपके सामने हैं, उसके बारे में आपको ज्ञान है। ऑडियंस पोल है, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। 50-50, 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे, 2 बचेंगे, 1 सही 1 गलत। और वीडियो कॉलर फ्रेंड में आपने शायद 3 नाम दिए होंगे, उनमें से किसी एक को चुन करके आप उनसे प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। ये जो हमारा वृक्ष है धन का, इसमें एक पड़ाव हमने और जोड़ दिया, उस पड़ाव का नाम है धन अमृत पड़ाव और वो है 75 लाख रुपए का, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अब खेल में 3 पड़ाव आ गए, पहले 2 ही हुआ करते थे और उसमें ये होता था कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए खेला, गलत उत्तर हो गया तो नीचे गिर जाते थे 3-20। अब ऐसा नहीं होगा, अगर आप पहुंच गए 1 करोड़ तक और मान लीजिए गलत हो गया तो 3-20 पे नहीं आएंगे आप, 75 लाख पे रुके। तो खेल की शुरुआत की जाए। तो चलिए जवा दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ श्री कंप्यूटर जी, खेल की शुरुआत की जाए, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय परंपराओं के अनुसार किसी भी नए कार्य के आरंभ में इनमें से किसे तोड़ना शुभ माना जाता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन कस्टम ब्रेकिंग विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू। ए कोकोनट, बी वाटरमेलन, सी अनियन या डी बनाना। नारियल, तरबूज, प्याज या केला। हम नारियल फोड़कर ही सब शुभ काम शुरू करते हैं जी, तो आई विल गो फॉर ए नारियल। कोकोनट पे ताला लगाया जाए। यस सर, सही जवाब दिया है आपने, 1,000 जीत गए। ईश्वर के प्रति एक विनम्रता का एक चिन्ह ये माना जाता है जब किसी नए कार्य को शुरू करते हैं और नारियल फोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर, यह है 2,000 रुपए का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगर इसे फॉरवर्ड किया या आगे भेजा गया है तो व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर क्या चिन्ह देखा जाता है? व्हाट सिंबल इज सीन ऑन टॉप ऑफ ए व्हाट्सएप मैसेज इफ इट हैज बीन फॉरवर्ड? ए स्टार, बी एन एरो, सी द वर्ड्स नॉट ओरिजिनल या डी ए क्रॉस मार्क। एक तारा, एक तीर, मूल नहीं है वाक्यांश या एक क्रॉस मार्क। सर व्हाट्सएप का जो फॉरवर्ड मैसेज होता है तो उसमें
एक एरो दिखाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि भाई ये मूल मैसेज नहीं है, ये फॉरवर्डेड मैसेज है. ओके. आई वुड लाइक टू गो विथ ऑप्शन बी. बी एरो. 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 तीर. लगा दिया जाए ताला इस पे? यस. ओके, लगाइए ताला कंप्यूटर जी. ये भी सही जवाब है आपका. 2000 जीत गया. अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि वो जो फॉरवर्ड होने वाले संदेश होते हैं ना, उसमें दो टिक्स होते हैं. दो टिक्स होते हैं. आपको ऐसा लगता है मैसेज पर विश्वास करते समय आपको ध्यान रहना चाहिए कि यो काफी वक्त ये गलत सूचना भी हो सकती है. आपके पास आते हैं क्या इस तरह के मैसेज? बहुत सारे आते हैं. वो केबीसी का भी आता है. क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अरे ये अच्छी बात आपने बोल दी. 50 लाख हमारे पास भी आते हैं. तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, कृपया करके इस झांसे में मत फंसिएगा. ये बहुत सी गलत फहमियाँ हो रही हैं, गलत खेल खेला जा रहा है. केबीसी जो है ये कभी किसी से पैसे नहीं मांगता है. हम तो चाहते हैं कि वो यहाँ आए, खेलें और पैसे जीतने के काबिल बने. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर. 3000 रुपए. हार्दिक जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने. मध्य पूर्वी देशों के एक समूह के लिए क्या सामूहिक शब्द इस तथ्य से आता है कि उनकी सीमा एक ही जल निकाय से लगती है? What collective term for a group of Middle Eastern countries comes from the fact that they border a common water body? और आपके ऑप्शंस ए गल्फ, बी वेव, सी लेक या डी ओशन. खाड़ी, लहर, झील या महासागर. सर ये जो अरेबियन पेनिनसुला है पूरा, तो वहाँ पर ये जो गल्फ कंट्रीज हम जिसे बोलते हैं, ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, तो ए गल्फ सही आंसर है इसका. ए? यस सर. ए गल्फ. ए गल्फ कंट्रीज. लगाएं ताला. यस सर, लॉक किया जाए. ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी. वाह, सही जवाब दिया आपने. पर्शियन गल्फ सबसे महत्वपूर्ण जल निकाय यानी वाटर बॉडीज में से एक है, क्योंकि दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा न केवल वहां पाया जाता है बल्कि तेल उत्पादक मिडिल ईस्टर्न देशों द्वारा यहां से निर्यात भी किया जाता है. ऑलराइट, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न के ऊपर. 5000 रुपए मिलने वाले हैं आपको यदि सही उत्तर हो गया. अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किसे इतालवी व्यंजन का हिस्सा माना जाता है? विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इटालियन क्विजीन. कैन वी सी द इमेजेस प्लीज? तो ए इमेज ऑप्शन ए, बी इमेज ऑप्शन बी, सी इमेज ऑप्शन सी या इमेज ऑप्शन डी. सर मुझे लगता है ये जो ऑप्शन बी है ना, इटालियन पास्ता बोलते हैं हम उनको, बहुत बार खाया है मैंने, मेरा फेवरेट है पास्ता, नूडल्स में बना भी अच्छा लेता हूँ. तो मुझे लगता है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इटालियन पास्ता. आपने कहा बी. ऑप्शन बी. बी. प्लीज लॉक. ताला लगाया जाए. बी पे ताला लग गया. बिल्कुल सही जवाब है. थैंक यू सर. ये आपने सही कहा, ये पास्ता है. इटली का शायद सबसे लोकप्रिय एक्सपोर्ट होता है ये, पिज्जा के अलावा. तितली से लेकर के घंटी तक सभी आकारों पर पास्ता के नाम है. आपको ये वर्क कौन सा, जिसमें ऐसे नली बनी हुई है ना, वो वाला पसंद है? वो ये वाला. तितली वाला पसंद है सर. पास्ता हर तरह का पसंद है. हैं? एक्चुअली मैं क्या है सर, नूडल्स और पास्ता और चाय, ये तीन चीजें ही मैं बनाना जानता हूँ. और जब मुझे देखने आए थे मेरे ससुर और वो लोग, तो उसको चाय और नूडल्स मैंने खिलाया था बनाकर. ये दिया था इन्होंने बनाकर. अच्छा देवी जी, आपसे पूछना चाहूंगा, ये यही बनाते हैं या कुछ और भी बना? गुजराती खाना होना बनाते हैं कि नहीं? वो भजिया होता है ना सर. हाँ, तो उनको बहुत पसंद है खाना. किसको भजिया पसंद नहीं है? खाना पसंद है तो वो किचन में आ जाते हैं जब भी बनाते हैं ना, तो बोलते हैं मुझे टेस्ट करवाओ, तो बनने भी नहीं देते. वो कच्चा जो बैटर बनाया होता है ना. हाँ. वो भी टेस्ट करने लगते हैं और फिर बोलते हैं मैं तलूंगा, तो हम बैटर बना के देती हूँ, फिर वो तलते खुद से है. यानी जो उनके हाथ का बना हुआ आपको पसंद नहीं है? नहीं नहीं, मैं अपने हाथ से उसको खिलाना चाहता हूँ. अच्छा, वाह. स्पेशली मॉनसून सीजन में सर. इसी तरह आपका प्यार जो है वो बना रहे.
और इसी तरह आप आगे बढ़ें। ऑलराइट।